बॉलीवुड दर्शकों के लिहाज से देखें तो अगला साल उनके लिए बेहद खास होने वाला है। साल 2019 में बॉलीवुड में जहां नए सितारे एंट्री लेने वाले हैं, वहीं कई धमाकेदार फिल्में भी बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी। चलिए जानते हैं आने वाली बड़ी फिल्मों के बारे में। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। साल 2019 की जिस पहली बड़ी फिल्म पर पूरी इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हैं, वो है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। मणिकर्णिका के ट्रेलर में कंगना रनौत की किशोर अवस्था से लेकर योद्धा बनने तक की छवियां हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म केसरी। सारा गढ़ी की लड़ाई पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म केसरी अगले साल 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म से अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा का लुक सामने आ चुका है। फिल्म भारत। इन दिनों सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत की शूटिंग को लेकर काफी चर्चाएं रहती हैं। जल्द ही इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जा सकती है। फिल्म भारत का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनेत्री कैटरीना कैफ और दिशा पटानी भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म कलंक। आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म काफी समय से चर्चा में है। इन दिनों फिल्म की शूटिंग जोरों पर है। ये बॉलीवुड की बिग बजट फिल्मों में से एक है। इन सभी फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर 2019 में साहो, जबरिया जोड़ी, चीट इंडिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बदला, गुली बॉय और टोटल धमाल जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। इनमें से कुछ फिल्मों के ट्रेलर भी रिलीज हो चुके हैं तो कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।